ये देख कितनी बकवास है। बकवास तो होगी ना, मॉम को कॉर्नफ्लेक्स के जंबो पैक के साथ फ्री मिली है। मानसिंह, मास्टर क्रिश, आपको देखे तो एक अरसा हो गया। मेरी मॉम का है। आपकी मॉम? ओह, उनकी किटी पार्टी चल रही है। फिलहाल चाट सर्व हो रही है और आप तो जानते हैं कि सारी लेडीज को खट्टी मीठी चाट के साथ खट्टी मीठी गपशप करना कितना पसंद है ना। मानसिंह जी, क्या आज आइसक्रीम काउंटर थोड़ा जल्दी खोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। मुझे भी आज आइसक्रीम खाने का मूड था। समझो खुल गया। मैं फोन करके आता हूँ। थैंक्स यार। और कुछ चाहिए तो बोल देना। एक बास्केटबॉल जो बाउंस हो। तो फिर तू मेरे घर चल, मेरे घर पे बहुत सारे बास्केटबॉल्स हैं और एक कोर्ट भी। ओ, तेरे घर के पास एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है? घर के पास नहीं, घर के अंदर है, वो बॉलिंग एली के पास। सुनो, मेरी मॉम को कह देना कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे पास खुद की गाड़ी है? हाँ, तीन है और बाकी के नाव मेरे मॉम डैड यूज करते। यार, तू इतने सालों से कहा था, चल चलते। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। गर्ल्स, अब तुम लोग जल्दी बड़ा हो जाएंगा और इसकी तैयारी के लिए तुम सबको क्लास में एक स्पेशल असाइनमेंट करना है। तुम सबको मंडे तक इसका ध्यान रखने का है। हमें डॉल्स के साथ खेलना है? डॉल नहीं, सुपर बेबी सिम्युलेटर। इसका ध्यान एकदम असली बच्चे के जरा रखना है। इसको प्यार करना है, इसका ध्यान रखना है और इसका डायपर भी चेंज करना है, नहीं तो ये रोएगा। और ये रोएगा तो हमको सब पता चल जाएगा। ओह, आपका मतलब है कि? नो माय चाइल्ड, इसका अंदर सब बातें रिकॉर्ड हो जाती है। और इस असाइनमेंट के लिए तुम सबके पास एक एक पार्टनर होएगा। ओह, क्या मैं रानी की पार्टनर बन सकती हूँ? ओह नहीं, बच्चों का ख्याल रखने में मैं एक्सपर्ट हूँ। हेलो फुल मार्क्स। रानी, तुम्हारा पार्टनर बिनी होएगा। हेलो जीरो मार्क्स। इसी हाथ से पकड़कर एकदम मम्मी जैसी फीलिंग आ रही है। किस तुम्हें बुला रही है? वाओ करण, क्या शॉट मारे तूने। लेफ्ट राइट एंड स्कोर। थैंक्स। और कबीर, तेरा से भी ठीक था। यार तेरा गेम रूम तो एकदम मस्त है। ये नया स्पेस रेसर्स है ना? पर मैंने सुना था ये गेम अब तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। इंपोर्टेड है, इंडिया में अभी तक किसी के पास नहीं है ये। वाओ वाओ करण, तुम तो एकदम एक्सपर्ट की तरह रेस कर रहे हो। हाँ थैंक्स कबीर, मैंने तुझे दोबारा ओवरटेक किया। ये तेरा पहला लैप है और ये करण का तीसरा लैप है। वैसे कबीर, तुम इतना धीरे क्यों चला रहे हो? मैं रैश ड्राइविंग नहीं करता, सेफ नहीं है। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें सीट बेल्ट भी पहन लेनी चाहिए। अगर स्पेस में रेस करते करते तुम किसी प्लैनेट से टकरा गए तो। और क्रिश, तुम्हारा किचन कहाँ पर है? मुझे प्यास लगी है। किचन तो ऐसे 15 मिनट दूर है, लेकिन तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए तो तुम विश्वेश्वर सिंह से कह दो। कौन? मेरा बटलर। हेलो विश्वेश्वर सिंह जी, मेरे लिए एक कोला लाना प्लीज। यार ये स्केटबोर्ड तो एकदम कूल है। तुझे चाहिए तो रख ले, मेरे पास इससे 10 है। चल मैं तुझे इसमें जंप करना सिखाता हूँ। चल, चल मुझे घर जाकर अपनी स्पीच पे थोड़ा काम करना है, लेकिन तुम दोनों खेलो, मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। वो क्या है ना, मैं एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग। ओह, कितना खूबसूरत बेबी है। इसका मम्मी कौन है? हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें इसका मंडे तक ख्याल रखना है। मैं बच्चों का ख्याल रखने में चैंपियन हूँ। मैंने तो बसंती को भी बचपन से बड़ा किया। बसंती कौन है? मेरी मुर्गी। मुझे तो उसके पहले शब्द भी याद है। तुम्हारी
हमारी बसंती कितना बोलती है। हाँ, एक बार बोलना शुरू करती है तो चुप ही नहीं होती है। चलो छोटी रानी, शॉपिंग का टाइम हो गया। इसका नाम छोटी रानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक लड़का है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सुबह से इसके डायपर्स मैं बदल रही हूँ। वैसे अपनी जिम्मेदारियाँ 50-50 करने वाले थे ना, तो 50-50 तो है। तुम इसका ध्यान रखोगी और मैं इसे शॉपिंग कराऊंगी। ये छोटी रानी, इसका नाम छोटी रानी नहीं है। देखो तुमने क्या किया। मैंने? ये मेरी लॉबी में छोटी बेबी रो क्यों रही है? ये छोटी बेबी नहीं, बेबी डॉल है। ये सब पीली की वजह से हुआ है। उसने छोटी रानी पर चिल्लाया। अच्छा, अगर तुम इसका जरा भी ध्यान रखती तो ऐसे नहीं रोता। तुमने एक भी बार इसका डायपर बदला है? हेलो, मैंने क्या? अरे ऐसे मुझे नहीं। दो, कैसे बंद करते हैं इसे? ये बेबी डॉल है। ये बेबी असली बच्चा नहीं है। मैम सच में ये असली बच्चा नहीं है। आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? मैम सच में ये असली बच्चा नहीं है। छोटी रानी, कबीर चलना हॉरर मूवी देखने चलते हैं। खूनी कछुआ लगी है। नहीं करें, ये स्पीच रेडी करनी है। तुझे पता है जीतने वाले को इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में जाने मिलेगा। चलना। कबीर सोच, कछुआ खून करके वहां से कैसे भागता होगा। ठीक है ठीक है, वैसे 2 घंटे के ब्रेक से कुछ नहीं होगा। मैं डरावने सीन में अपनी आंख छुपाने के लिए रुमाल लेके आता हूँ। कम इन। हाय कृष, कैसा है करण? सुन, मेरे पास ना मुंबई निंजास और दिल्ली डाकू के क्रिकेट मैच की 2 टिकट्स है। आज के मैच की टिकट्स? पर मैं कबीर के साथ खूनी कछुआ देखने जा रहा हूँ। ये जो टिकट्स है ना, ये पवेलियन की टिकट्स है। पवेलियन की टिकट्स? जहाँ हम बैटिंग पे जाने वाले बैट्समैन को बेस्ट ऑफ लक भी कह सकते हैं, है ना? और अगर बैट्समैन आउट होके वापस जल्दी आ जाए तो उसे करके छेड़ा भी सकते हैं। चलते चल करण, चलते। मैंने अपना रुमाल ले लिया है, अब कोई डर नहीं। ओ हाय कृष। हाय कबीर, थोड़ा प्लान चेंज है। कृष के पास मैच की टिकट्स है। वाओ, मैं अपने गोल सचिन का पोस्टर लेके आता हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही टिकट्स है। और कबीर, वैसे भी तू अपनी स्पीच लिखने वाला था ना? ठीक है, कोई बात नहीं। करण जल्दी चल, वरना मैच स्टार्ट होने से पहले चीयर लीडर्स का डांस रह जाएगा। मैं मॉम को बता के आता हूँ। मैं अपने गोल सचिन का पोस्टर दे दूँ, शायद उसका ऑटोग्राफ मिल जाए। नहीं, रहने दे। वो क्या है ना, मैं सचिन को जानता हूँ और उसे ऐसे पोस्टर्स वाले बॉयज बहुत चेपू लगते। तो मेरे देशवासियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने हुस्न से खुश हैं? मिनी? हाँ? मैंने पूछा, क्या आप अपने हुस्न से खुश हैं? हाँ। जाने के लिए। तो सॉरी कबीर, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। कल पूरी रात उस बेबी ने सोने ही नहीं दिया। बेबी? तुम्हारी शादी कब हुई? नहीं नहीं, मैं उस बेबी वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। मंडे तक मुझे और रानी को उसका ख्याल रखना है, यानी कि सारा काम मुझे करना है। पता नहीं रानी कहाँ है। मिनी, ये देखो मैंने छोटी रानी के लिए क्या लिया, स्वेटर। उस पर कितना क्यूट लगेगा ना। मिनी, आजकल सारे फैशनेबल बेबी डॉल्स यही पहन रहे हैं। और मैंने एक साइज बढ़ा दिया है, क्योंकि वो दुकान वाला कह रहा था कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए 1 हफ्ते में छोटा हो जाएगा। ओके रानी, 2 चीजें। पहली चीज, वो एक डॉल है, बढ़ने वाली नहीं है। और दूसरी चीज, हमारी बेबी है कहाँ? तुम आजकल की मम्मी कितना टेंशन लेती हो। वो हमारी बाई के पास है। बाई? तुमने हमारी बेबी को एक बाई के साथ रखा है? तो क्या हुआ, मेरी भी अभी तक 22 थी और मैं एकदम परफेक्ट हूँ। रानी, हमें वो होमवर्क खुद करना है, बड़ों की तरह जिम्मेदारियाँ सीखनी है। तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने उसके प्राम में कैमरा लगाया ताकि हम दोनों उस पर नजर रख सके। ये देखो। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? देखो, जंग बहादुर को अच्छा लगता है। जंग बहादुर हमारी बाई है।
लेकिन वो मुर्गियाँ पालता है। रानी 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 रानी, हमने सोचा दोनों बच्चों का ना दोस्ती कराना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? रानी। ये रानी। इसने हमारे बेटे का नाम रानी रखा है। रानी, ये देखो कौन है, तुम्हारी रानी मासी। ये मासी। तुमने इसे अपनी मासी बनाया है? तुम्हें पता इसने हमारे बेटे को एक नैनी के पास रखा है। ओह नैनी, कैसी है, उसका नंबर दो। ये क्या हो रहा है, हमें हमारे बच्चे को खुद संभालना है। तो संभाल तो रही हूँ ना, अब कौन अपने बेटे के लिए तीन तीन बैंक अकाउंट्स खोलता है? जंग बहादुर, वो बैग्स यहाँ ले आओ। लेकिन मानसिंह जी, मैं बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम्हें नौकरी चाहिए या बच्चा? बच्चा? किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? बैग्स का। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम नहीं, राजमहल खानदान का लावारिस। लावारिस नहीं, वारिस। और वो बिल्कुल ठीक है। अब समझ में आया कि बच्चा नैनी के पास रखना कितना बकवास आइडिया था। जंग बहादुर, तुम्हारी नौकरी गई। कौन सी वाली, बेल बॉय वाली या नैनी वाली? नैनी वाली। नैनी वाली। और अब बहुत जल्दी बेल बॉय वाली भी जाने वाली है। बस बहुत हो गया, तुमसे अच्छी माँ तो एक टोस्टर है। आज मैं पूरी रात तुम्हारे साथ बिताऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से अपने मार्क्स नहीं कम होने देना चाहती। ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे भी। मुझे भी। ओ, मैच कैसा था? कुछ खास नहीं। अच्छा, क्योंकि मैंने टीवी पे देखा कि मुंबई लास्ट बॉल पे सिक्स मार के जीत गई। हाँ, तुझे पता है क्रिकेट मैच में तो ये सब होते रहता है। वैसे तेरी स्पीच का क्या हाल है? मंडे को सुन लेना। इस मंडे को? हाँ, इस मंडे को। पिछले तीन हफ्ते से काउंटडाउन चल रहा है। पर इस मंडे को तो माटुंगा मंकीज का रॉक शो है और क्रिश के पास फ्रंट रो सीट की टिकट्स है। मंकीज उसके खास दोस्त है। सुना है कि सारे सिंगर्स हेलीकॉप्टर से जंप मार के स्टेज पर आने वाले हैं। मैं ना क्रिश से कह के तेरे लिए ऑटोग्राफ पोस्टर्स लेके आऊंगा। ओके? रहने दे, ना चाहिए तेरे पोस्टर्स, ना चाहिए तेरे दोस्त की मेहरबानी। अरे कबीर सुन तो देख, मैं तेरे लिए मैच से क्या लेके आया। दूध और बॉटल दोनों गर्म हो गए, अब मैं पिला सकती हूँ? अब नहीं नहीं, पहले तुम्हें उस दूध को स्किन पर डाल के टेस्ट करना होगा कि वो ज्यादा गर्म तो नहीं है। ओके ठीक है ठीक है, ये लो। छोटी रानी, सिस्टर रोजी का दिमाग घास चढ़ने गया था जब उन्होंने तुम्हें मेरा पार्टनर बनाया। उस खड़ूस की गलती है। छोटी रानी रो क्यों रही है? गैस की वजह से। बेबीज को खिलाने के बाद उनकी पीठ थपथपानी पड़ती है। ओके। देखो रोना बंद हो गया। ये रानी, तुम इसके डायपर्स बदलने के बारे में सोचना भी मत। कबीर, तुम्हारी स्पीच की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी मॉम, मैंने स्पेलिंग्स और ग्रामर दोनों चेक कर लिए हैं। वेरी गुड, और मैंने बैटरी और कैमरा दोनों चेक कर लिए हैं। चलो, कोई तो मेरी स्पीच देखने आ रहा है। मतलब? मतलब कि करण नहीं आ रहा है। क्यों? आजकल उसके पास सिर्फ उस क्रिश के लिए ही टाइम है। आपको पता है, जब से वो उस क्रिश से मिला है ना, वो एकदम बदल गया है। हमारा पुराना करण अब बिल्कुल नहीं रहा। बेटे, लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते। मॉम, आपने मेरी डायमंड वाली घड़ी देखी? करण जायसवाल? करण जायसवाल? प्राइवेट टॉक? प्राइवेट टॉक? हाँ, तुम जाओ अपने कमरे में और अपनी स्पीच रिहर्स करो।
ठीक है, लेकिन मिलोर्ड आप इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। कड़ी से कड़ी। करण, मैंने सुना है कि तुम कबीर की स्पीच के लिए नहीं आ रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं क्रिश के साथ माटुंगा मंकीज के रॉक शो के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कबीर तो तुम्हारे हर क्रिकेट और फुटबॉल मैच के लिए आता है ना। हाँ, क्योंकि वो भी टीम में है। सही, लेकिन वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, और जब तुम ट्यूशन क्लासेस में 10th आए थे ना, तो सबसे ज्यादा तालियां उसी ने बजाई थी। एक छोटी सी स्पीच की तो बात है मॉम, और मैंने उसे प्रॉमिस किया है मैं उसके लिए पोस्टर लेके आऊंगा। एक पोस्टर से दोस्ती नहीं खरीदी जाती बेटे। तो आप कह रहे हो कि मुझे क्रिश के साथ रॉक कॉन्सर्ट के लिए नहीं जाना चाहिए और कबीर के स्पीच के लिए आना चाहिए। नहीं, तुम क्रिश के साथ जाओ, लेकिन अपने भाई के उदास चेहरे के बारे में सोचो, और ये सोचो कि क्रिश तुम्हारा असली दोस्त है या नहीं। तो मैं रॉक शो के लिए जा सकता हूँ? अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो मैं रॉक शो के लिए जा सकता हूँ ना। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? तो मैं रॉक शो के लिए जा सकता हूँ या नहीं? अगर तुम कबीर के दिल को तोड़ सकते हो तो तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। ठीक है, लेकिन अपने भाई के उदास चेहरे के बारे में तो। प्रीति जायसवाल, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिनी, बेबी, रानी, तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। मैं इतनी थक गई हूँ कि कोई भी रकम मुझे नहीं खरीद सकती। 2000। गुड मॉर्निंग। छोटे बेबी, इधर आओ। मत रो, मत रो। मुझे मेरे पैसे दो। छोटी रानी, सो मत, रो मत। सो मत बोलने से वो चुप नहीं होगा, वो 2 दिन से रो रहा है। ये लो, पैसिफायर लाओ। अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, तुम कुछ करो, लेकिन प्लीज बोर्डिंग स्कूल के बारे में बात मत करना। मुझे पूरे होटल से कंप्लेंट्स आ रही हैं। हमें नहीं पता हम क्या करें, छोटी रानी चुप ही नहीं हो रही है। अरे तो इसकी बैटरीज निकाल दो ना। हमारी बीवी को छूना भी मत। ये एक गुड़िया है। हाँ, मेरी छोटी रानी एकदम गुड़िया जैसी है, लेकिन कोई भी उसका एक भी बाल बांका नहीं कर सकता। रानी, इसके बाल होंगे तो बांका करूंगा ना। आपके चिल्लाने से वो और भी रो रहा है। अरे इधर दो मुझे। नहीं, उसे अपनी मम्मी चाहिए। उसकी मम्मी मैं भी हूँ, लेकिन उसके लिए अच्छी चीजें मैं खरीदती हूँ, वो मुझे ज्यादा प्यार करती है। चांस ही नहीं है, उसका ख्याल मैं रखती हूँ, मुझसे ज्यादा प्यार करता है। उसे चोट लग जाएगी। तुम चोट पहुँचा रही हो, तुम चोट पहुँचा रही हो, तुम पहुँचा रही हो। वो छोटा बेबी कितना क्यूट था ना, लेकिन रो रो के उसने मेरे सर में दर्द करा दिया। पाए पाए नन्नी रानी, इसे कितनी बार कहा है कि हमारे बेटे का नाम रानी नहीं है। ये क्या, इस बेबी के साथ तुम लोगों ने फुटबॉल खेला है क्या? हमारी बेबी खिड़की से गिर गई, हमारे बीच बहस हो गई थी बेबी को लेके, और फिर हम लड़ने में इतना खो गए थे कि बेबी को भूल गए। शायद इसलिए, क्योंकि हम 2 रातों से नहीं सोए हैं। बेबी रोना बंद ही नहीं करी थी जब तो वो खिड़की से नहीं गिर गई। असल में बात यह है कि हम इसका ख्याल ही नहीं रख पाए, और अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो आप हमें फेल कर सकती हैं। फेल? तुम दोनों ने इस प्रोजेक्ट का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। 10/10। मिस्टर रूसी का दिमाग घास चरने गया था जब उन्होंने तुम्हें मेरा पार्टनर बनाया। उस खड़ूस की गलती है, उस खड़ूस की गलती है, उस खड़ूस की गलती है, उस खड़ूस की गलती। आजकल के बच्चे बहुत बोलते हैं। इतनी देरी क्यों कर दी? तुमने ही तो मुझे ये सब लाने के लिए कहा था,
मुझे तुम्हारी बिल्ली के खाने के लिए 3 जगह पे घूमना पड़ा। फ्लेवर्स कौन सा लाए? फ्लेवर्स छोड़, रॉक्शो के लिए देरी हो रही है। मुझे नहीं लगता रॉक्शो 8 बजे तक शुरू होगा। मैं सोच रहा था कि हम रॉक्शो जाने से पहले कबीर की स्पीच सुनने स्कूल जा सकते हैं। हाँ, फिर वहां से हम गार्डन में चलते चलते घास उगते देखे। बोरिंग। देख, मैं मानता हूँ कि उसकी स्पीच थोड़ी बोरिंग होगी, पर वो मेरा भाई है, अगर मैं वहां नहीं गया तो उसे बुरा लगेगा। देख, तू अभी मेरे साथ है, कबीर के बारे में भूल जा। और ये ले, इस हफ्ते जैकेट के नीचे छुपा दे, मुझे रॉक शो रिकॉर्ड करना है। पर वो तो अलाउड नहीं है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, जैकेट के नीचे छुपा दे। मतलब अगर पकड़े गए तो मैं फंसूंगा, तुम कैसे दोस्त हो? तो फिर तू अपने उस फट्टू भाई के पास क्यों नहीं जाता है? हा? हाँ, मेरा भाई फट्टू है और पड़ाकू है और कभी कभी गोचू भी। वो हर बाइट के बाद ब्रश करता है। और वैसे हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तुम मेरे भाई की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते हो और तुम मुझे अपने पैसों से खरीद भी नहीं सकते हो। तू कहना क्या चाहता है? हाँ, क्या चाहिए? हमारी दोस्ती खत्म। एक मिनट, मैं अपने ओरिजिनल ऑटोग्राफ्ट स्पोर्ट्स शूज को सिर्फ अपने दोस्तों को देता हूँ। और वो जैकेट? ठीक है। और पैंट भी? ये ले। वो चेन और हाथ का भी मेरा ही है। ये ले, अब मैं यहां से इज्जत के साथ जाऊंगा। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं ऑडियंस के सामने कुछ बोल नहीं पाया तो। फिक्र मत करो कबीर, पता है मैंने कहीं सुना है कि अगर ऑडियंस से डर लगे ना तो आंखें बंद करके इमेजिन करना चाहिए कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने, डर यूं भाग जाता है। मॉम, आपने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे कपड़े कहाँ है? मैंने क्रिश को वापस दे दिए, ना चाहिए उसकी दोस्ती ना उसके कपड़े। तो तू मेरी स्पीच सुनने आ रहा है? हाँ। यानी कि हमारी प्राइवेट चैट का तुम पर असर हुआ ना? हाँ। यस प्रीति, जय सवाल। मॉम, आज मैंने 2 चीजें सीखी। मॉम, आज मैंने 2 चीजें सीखी है। एक कि किसी की दोस्ती खरीदी नहीं जा सकती, और दूसरी कि अगर तुम बस में बिना कपड़ों के जाओगे तो बस कंडक्टर तुमसे टिकट के लिए नहीं पूछेगा। मैं तैयार होकर आता हूँ।